ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लिथियम आयन बैटरी होता ही है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल या पोर्टेबल स्पीकर या वायरलेस हेडफोन और ईयरफोन या लैपटॉप, हर एक में लिथियम आयन बैटरीज को ही यूज किया जाता है। बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे हैवी वेट, लिमिटेड और लो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेनी मोर। सो द लिथियम आयन बैटरीज का अल्टरनेटिव है ग्राफीन बैटरी को यूज करना, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। ग्राफीन बैटरी पर अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफीन क्या है एंड इसके फायदे क्या है। तो जैसा कि हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ चुके हैं कि कार्बन अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट है। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन एटम्स डिफरेंट मटेरियल में अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं, तो ग्राफीन के लिए भी ये सेम है। ग्राफीन एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसके एटम्स एक फ्लैट हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स बनाते हैं, बिल्कुल एक हनीकॉम की तरह। एंड ग्राफीन बहुत ही थिन एंड लाइट वेट एंड ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, और साथ ही ये सुपर स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। एंड फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसे बहुत ही सिंपल बनाते हैं टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी विथ लिटिल रेजिस्टेंस, जो कि इसे मेटल कॉपर के कंडक्टिव से भी बेहतर बनाता है। तो अब बात करते हैं ग्राफीन बैटरीज लिथियम आयन बैटरी से कैसे अलग है। ग्राफीन बैटरी का इनर स्ट्रक्चर बिल्कुल एक लिथियम आयन बैटरी के जैसा ही है, जिसमें कि टू इलेक्ट्रोड्स एंड एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है टू इनेबल फ्लो ऑफ चार्ज। बट इसमें एक ध्यान देने वाला डिफरेंस है कि जो कि ग्राफीन बैटरी का एक इलेक्ट्रोड हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल के साथ रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। जो रिड कंपोजिट मटेरियल को यूज किया जाता है एक स्टैंडर्ड सॉलिड स्टेट मेटल की जगह, यानी लिथियम आयन बैटरी में एक इलेक्ट्रोड कैथोड का होता है, जो कि ग्राफीन में उस कैथोड इलेक्ट्रोड्स की जगह हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल यूज किया जाता है, जो कि ग्राफीन बैटरी को प्रूफ करता है कि वो लिथियम आयन बैटरी से बेहतर है। एंड रिसर्चर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं बैटरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का ग्राफीन की मदद से, और साथ ही काम कर रहे हैं हाइब्रिड मटेरियल्स पे सच एज वेनेडियम ऑक्साइड एंड ग्राफीन, जो कि मदद करेंगे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करने में एंड क्विक चार्ज करने में। तो अब बात करते हैं ग्राफीन बैटरी के फायदे। फर्स्ट, स्मॉलर एंड स्लिमर बैटरी। हम लोग जानते हैं ग्राफीन इज लाइट वेट एंड 1 मिलीमीटर थिकनेस में ग्राफीन के 3 मिलियन लेयर्स आ सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में स्मार्टफोन की बैटरी ज़्यादा जगह नहीं लेगी, और साथ ही हायर कैपेसिटी स्टोरेज भी मिलेगी। सेकंड, हायर कैपेसिटी। ग्राफीन के पास हायर एनर्जी डेंसिटी है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी, जो कि 180 Wh/kg, और एंड ग्राफीन नाउ कैपेबल है 1000 Wh/kg स्टोर करने में, इसलिए हायर कैपेसिटी ग्राफीन बैटरी मिल पाएंगी लिथियम आयन बैटरी के साइज में ही। थर्ड, फास्ट चार्जिंग। जैसा कि हम जानते हैं ग्राफीन एक हनीकॉम स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जो कि करंट को फ्लो होने में आसानी होता है, और इसमें साथ ही इसमें कम से कम रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन चार्ज क्विकली, और साथ ही प्रोवाइड करेगा ज्यादा बैटरी बैकअप एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी। फॉर थर्मल मैनेजमेंट, ग्राफीन बेटर हीट डिसिपेशन है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी, एंड साथ ही ये कम करेगा अप टू 5 डिग्री टेम्परेचर, जिसकी वजह से फोन ज्यादा हीट नहीं होगा जब वो चार्ज होगा या आप उसमें गेम खेलोगे। 5, ग्रेटर सेफ्टी। ग्राफीन बैटरी को ज्यादा सेफ माना जा रहा है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि इसका मटेरियल ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से फ्यूचर में बैटरीज को ज्यादा प्रोटेक्टिव केस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह कम स्पेस भी लेगा और ज्यादा लाइट वेट होगा।